योमा जिपुरा हास्ते बबाग्रा रगनी बस मानी कसेलमा कैरान कथमा उजाक गबांगमा कैरान कथमा रगन सालिया अहलंग रग सिरिन सिरिन कक साया ताबक बबाग्रा रगनी गबांगमा कैरान कथमा बबाग्रा नदीनी बायथांमानै खातुंजाग्लायमानि खाजालायखा सिरिन सिरिन कक साया हलंग रग दिनी मुख दैखेग्लायलायखा ओंलायै चिरिक मरग बुरु फायनो ओ हानि नगफां नासिंलायमानि बिसि गोबां मानि सिरिं सिरिं टंनाय ओ हलं रग ओ नुयंमा रग सातक जागमानि नायकल जायांमानि साना मुचुंमानि जरा गोबां मानि लायबमा खरसावै सिरिं सिरिं टंनाय ओ हलं रग सबायता जरा दाबक हाबुबाग्रानि किफिलि नायफेका नुयंमा गलाङै थांमानि किफिलि मानफिनाय ओ हा ओ नखा ओ दंथाय दाबुकजों जत्त' थांसा उदयपुरनि बबाग्रा गोविन्द मानिकनि ओ नुयंमा जो पुराना राजबाड़ी है बहुत दुख लगता है कि सब जगह में शराब का बोतल है कहीं में चिप्स का पैकेट है पूरा मेंटेन नहीं किया गया है। अब क्या करें अगर ये स्टेट गवर्नमेंट को अगर इंटरेस्ट नहीं है मेंटेन करने के लिए तो महाजा के नाम में उनको वोट्स भी नहीं मांगना चाहिए रॉयल फैमिली के नाम में क्योंकि जिस तरीके से रखा गया है ये सिर्फ एक परिवार नहीं ये एक अगर ये यही चीज़ अगर यूपी में होता या राजस्थान में होता या शांति निकेतन में होता तो सब लोग उसको मेंटेन करते क्योंकि ये इंडिजिनस है तो आजकल कोई मेंटेन भी नहीं किया जा करता है। इसी से मालूम पड़ता है कि आज जो लोग बोल रहे हैं कि हमने बहुत उन्नति किया त्रिपुरा का आपने हमारा पूरा इतिहास को बर्बाद करके रखा है और ये सिर्फ एक परिवार का इतिहास नहीं है ये पूरा नेशन का इतिहास है एक पूरा कम्युनिटी का इतिहास है उसको इतने ख़राब से मेंटेन करके रखा गया है कि दुख लगता है लेकिन समय राइट टाइम में राइट जवाब हम भी देना जानते हैं हम लोग देंगे थैंक यू।